नमस्कार दोस्तों, अगला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। पंजाब पुलिस ने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में देहरादून से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। चंपावत विधानसभा उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। देहरादून में बीएसएफ के जवानों ने मोटरसाइकिल पर किया हैरतअंगेज कारनामों का प्रदर्शन। लॉयंस क्लब काशीपुर सिटी ने विधायक त्रिलोक चीमा से की ऑक्सीजन पार्क बनाने में सहयोग की अपील। काशीपुर में धूमधाम से मनाया गया हिंदी पत्रकारिता दिवस। चंपावत उपचुनाव में काबीना मंत्री चंदन राम दास ने रैली निकालकर सीएम धामी के लिए वोट मांगे। चंपावत उपचुनाव के लिए डीएम व एसपी ने विभिन्न पोलिंग बूथों व चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। ऋषिकेश में फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में ट्रेवल्स एजेंट व साइबर कैफे संचालक के खिलाफ केस दर्ज। अब खबरें विस्तार से। एसटीएफ उत्तराखंड व पंजाब पुलिस ने चेकिंग में दो गाड़ियां पकड़ी। इस दौरान पुलिस ने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में देहरादून से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया है। शिमला बाईपास रोड स्थित नया गाँव में स्थानीय पुलिस और एसटीएफ भी इस कार्यवाही में शामिल रहे। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया युवक गायक सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों का मददगार बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त युवक हेमकुंड साहिब की यात्रा के बहाने उत्तराखंड की सीमा में दाखिल हुआ है। हेमकुंड साहिब की यात्रा से लौटते समय आरोपित युवक पुलिस के हत्थे चढ़ा। पंजाब पुलिस उक्त युवक को अपने साथ ले गयी है। चारधाम यात्रा के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन करने के मामले में पुलिस ने तीर्थयात्रियों की लिखित शिकायत पर साइबर कैफे संचालक और ट्रेवल्स एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक मध्य प्रदेश के धार शहर से पहुंचे 120 यात्रियों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर हरिद्वार के साइबर कैफे संचालक सुमित कश्यप ने 8,000 की रकम ले ली। ऋषिकेश पहुंचने पर रजिस्ट्रेशन फर्जी पाए जाने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि मामले में जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही जांच पूरी कर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। कहां हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। अपनों को करीब लाए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। अभिव्यक्ति राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जेके रॉक्स फाउंडेशन ने काशीपुर का नाम पूरे राज्य में रोशन कर दिया है। आपको बता दें कि काशीपुर के जेके रॉक्स फाउंडेशन से जगमोहन सिंह बंटी की टीम ने हल्द्वानी में आयोजित अभिव्यक्ति राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। इस प्रतियोगिता का फाइनल MBA इंटर कॉलेज हल्द्वानी में हुआ था। प्रतियोगिता में जगमोहन सिंह बंटी ने 35 वर्ष से ऊपर की कैटेगरी में प्रथम स्थान, ग्रुप में शिवम सुखदेव, ममता, खुशी कशिश व सीरत ने प्रथम एवं डुएट में गर्व अरोड़ा व जानवी सक्सेना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के जज पद्म विभूषण बिरजू महाराज जी, कथक सम्राट कृष्ण मोहन महाराज थे। आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में रविवार को बीएसएफ के जवानों द्वारा अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए मोटरसाइकिल से हैरतअंगेज कारनामों का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज व बीएसएफ के कमांडेंट महेश कुमार नेगी आदि मौजूद रहे। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। उनकी सुंदर प्रस्तुति के लिए महाराज जी ने भेंट और के अवसर पर आज इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारी बीएसएफ है उनका पूरा साहसिक ये अभियान देखने को मिला। मैं सभी कैडेट्स को, कमांडेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत सुंदर प्रदर्शन किया और ये विश्वास दिलाया हमको कि इनके हाथ में देश सुरक्षित है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बीएसएफ के जो हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं और हमारे टूरिज़्म का जो अभियान है उसमें काफ़ी हमें सहयोग मिलता रहता है। पैराग्लाइडिंग, कैनोइंग और हमारा रिवर राफ्टिंग, काफ़ी हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स में हमें बीएसएफ का सहयोग मिलता है। हम मिल करके
हमारे उत्तराखंड के टूरिज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप में मैं सभी को इस पूरे अभियान के लिए बधाई देता हूं और निश्चित रूप में ये कामना करता हूं कि आने वाले समय में और भी चुस्ती के साथ देश की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर काशीपुर मीडिया सेंटर द्वारा बाजपुर रोड स्थित कुमाऊं प्लाजा होटल में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारिता से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मेयर उषा चौधरी, विधायक त्रिलोक चीमा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, खिलेंद्र चौधरी, राम मेहरोत्रा, दीपिका गुड़िया आत्रे, संदीप सहगल, मीडिया सेंटर अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह सेठी समेत कई पत्रकार मौजूद रहे। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर हमारे सभी समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ और बहुत ही सम्मानित काशीपुर के पत्रकार बंधु और विशेषकर विट्ठल भाई और विकास जी ने मुझे बुलाया है, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन काबीना मंत्री चंदन राम दास ने मुख्य बाजार में रैली निकालकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए वोट मांगे तथा घर घर जनसंपर्क किया। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत सीएम धामी को जिताने के लिए झोंक दी। इस अवसर पर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष मोहित पाठक भी मौजूद थे। संवाददाता लक्ष्मण सिंह मिश्र की रिपोर्ट। निषाद पार्टी द्वारा सुनील कुमार छाबड़ा को पार्टी का प्रदेश महासचिव बनाए जाने पर साई विहार कॉलोनी में श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कमेटी काशीपुर की ओर से उन्हें बधाई दी गई एवं माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजेश शर्मा, समर्थ शर्मा, कैलाश तोमयाल आदि मौजूद थे। इकतीस मई को होने जा रहे चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर डीएम नरेंद्र सिंह बंजारी व एसपी देवेंद्र पीचा ने विभिन्न पोलिंग बूथों व चेक पोस्ट का संयुक्त निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान केंद्रों के निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की कमियों को तत्काल सुधारने के निर्देश दिए, जिससे कि मतदान के दिन कोई अव्यवस्था उत्पन्न न हो। वर्षा होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं मौसमी वायरल बुखार का सबसे ज्यादा असर बच्चों में देखने को मिल रहा है। बाल रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीष पंत ने कहा, प्रतिदिन करीब 50 से 60 बच्चे उपचार के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा, उल्टी दस्त, चिकन पॉक्स, वायरल बुखार, सर्दी जुकाम से पीड़ित बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल की पीएमएस डॉक्टर कुसुमलता ने कहा, एक ही डॉक्टर होने से परेशानी आ रही है, एक और डॉक्टर की जरूरत है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हमारे यहाँ बच्चों का पीडियाट्रिक वार्ड है और उसमें नेबुलाइजर मशीन भी है, आईसीयू भी है, वेंटिलेटर की सुविधा भी है, बाकी सभी सुविधाएं बच्चों से रिलेटेड जितनी भी है हमारे यहाँ उपलब्ध है। मौसम के अनुरूप तो देखिए, आजकल उल्टी दस्त के मरीज बढ़ गए हैं और मौसम के विपरीत इस समय खांसी जुकाम बुखार के मरीज भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जितने बच्चे स्कूल जाने वाले हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने में आ रहा है और ये बार बार हो जा रहा है। गर्मी के कारण बच्चे कुछ ठंडी चीज़ों का सेवन कर दे रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, जूस वगैरह, कुछ में उनकी वजह से हो जा रहा है, कुछ में दूसरे बीमार बच्चों से। बच्चों के माता पिता को क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तो गर्मी में ठंडी चीज़ों का परहेज करें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ऐसी चीज़ों से परहेज करें और दूसरे बीमार लोगों से बच्चों को दूर रखें। लॉयंस क्लब काशीपुर सिटी के अध्यक्ष सुरेश शर्मा के नेतृत्व में लॉयंस क्लब के एक प्रतिनिधिमंडल ने काशीपुर विधायक त्रिलोक चीमा को पत्र देकर काशीपुर सिटी तहसील क्षेत्र में
ऑक्सीजन पार्क बनाए जाने के लिए सहयोग देने की अपील की। इस पर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने उन्हें आश्वस्त किया कि काशीपुर के हित में कार्य करने में सदैव तत्पर रहेंगे। इस अवसर पर सुरेश शर्मा, महेश वर्मा, हरिओम तोमर, जसवीर सिंह, स्वतन मेहरोत्रा, सुखविंदर सिंह आदि उपस्थित रहे। 31 मई मंगलवार को चंपावत विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। दूरस्थ क्षेत्र को जाने वाली 16 पोलिंग पार्टियों को रविवार को रवाना कर दिया गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि चंपावत विधानसभा क्षेत्र के सभी पोलिंग बूथों के लिए 135 पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। दूरस्थ क्षेत्रों को जाने वाली 16 पोलिंग पार्टियों को रविवार को रवाना कर दिया गया था। विधानसभा क्षेत्र की जनता से सवेरे 7 बजे से लेकर 5 बजे तक भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। डीएम भंडारी ने बताया, अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है। टोटल 151 पोलिंग पार्टीज है, 16 कल रवाना होगी, बाकी 135 आज रवाना हो रही है। सभी का पीडीएम में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सभी की ब्रीफिंग हो चुकी है और सभी सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट तैयार है। कल हमें आशा है कि अच्छा मतदान होगा और मेरा सभी से निवेदन है मतदाताओं से कि चंपावत विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें अधिक से अधिक जाकर मतदान करें। सुबह 7 से शाम को 5 तक, ये ध्यान रखें कि शाम को 5 बजे तक डेडलाइन है। उसके बाद दिए गए हैं उनको ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सुबह 7 से 5 चुनाव है, आज अपने बूथ पर पहुंच जाएं, बूथ पर ही रहें और एक अच्छी टीम भावना के साथ कल मतदान करें। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।